दोस्तों, जो आज का वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने एक पुराने ही टॉपिक पे, तो कई दिनों से दोस्तों मुझे एक अपने वीडियो पे कमेंट सेक्शन में कमेंट मिल रहे थे कि सर, जैसे आपने बताया है वैसा नहीं है, या भाई ऐसा जैसा आपने स्टेप बताया है उस तरीके से स्टेप नहीं हो रहे, कुछ चेंज हो गया है। तो गाइज़, मैंने फिज़िकली खुद करके देखा तो काफ़ी चेंज हो चुका है मैंने देखा उसमें। तो गाइज़, मैं फिर से आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि कैसे आप अपने जीमेल को अपने फेसबुक से अल्टर कर सकते हो, या अपने प्राइमरी जीमेल को कैसे चेंज कर सकते हो, या कैसे उसे बदल सकते हो। तो गाइज, सब कुछ मैं बताऊंगा फिर से आपको इस वीडियो में, नए स्टेप कैसे करने हैं और कैसे नहीं। तो गाइज, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपने फेसबुक में जाना है, जैसे मैंने पुराने वीडियो में बताया है। तो आपको नए जीमेल अकाउंट को वहाँ पर लिंक करना है और उसे वेरीफाई करना है आपको अपने फेसबुक ऐप से, पहले तो ये करना है दोस्तों। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये अब जो ऑप्शन था प्राइमरी जीमेल को सेट करने का, तो गाइज़ अभी फेसबुक ने नए अपडेट में फेसबुक से उसे सेपरेट कर दिया है। आपको फेसबुक एप्लीकेशन में वो नहीं मिलेगा वहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन। तो गाइज़, अब ओनली इन्होंने फेसबुक वालों ने क्या किया है कि आपको डेस्कटॉप साइट पे ही ये, या डेस्कटॉप प्रीव्यू पे ही आपको ये प्राइमरी ईमेल या जीमेल को चेंज करने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो गाइज़, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। तो जैसे आप क्रोम ब्राउज़र पे जाओगे तो गाइज़ यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डेस्कटॉप साइट को मार्क किया है, तो आपको डेस्कटॉप प्रीव्यू मिल जाएगा। तो डेस्कटॉप प्रीव्यू में आपका फ़ोन पूरा चले जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पे आपको www.facebook.com सर्च करना होगा, और उसके बाद ऐसा पेज खुलेगा। तो मैंने ऑलरेडी पहले लॉगिन किया था अभी अपना फेसबुक। तो गाइज़, यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपना फेसबुक लॉगिन करना होगा। तो गाइज़, मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ। तो गाइज, जो मेरा फेसबुक है वो लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हो। तो ये पूरा जो भी डेस्कटॉप प्रीव्यू में ये शो हो रहा है। तो गाइज, सिंपल स्टेप है, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था फेसबुक एप्लीकेशन में, तो सेम एज इट इज़ वर्क करता है ये डेस्कटॉप मोड पे भी। तो गाइज, यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि अप साइड पे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिल रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग ऑन प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। तो इस पर क्लिक करोगे तो फिर सेटिंग का ऑप्शन आएगा, और भी बहुत सारी ऑप्शन होती है, तो आपको सिर्फ क्लिक करना होगा सेटिंग के ऑप्शन पे। तो गाइज, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं इस तरह का एक होम पेज खुलेगा। तो यहाँ पे नेम, यूज़र नेम, और जो अभी प्रेजेंट में जो मेरा जीमेल अकाउंट है वो प्राइमरी में आप देख सकते हो, ये वाला जो प्रेजेंट में आप देख सकते हो प्राइमरी में शो कर रहा है मेरा जीमेल। तो गाइज, आपको सिंपल सा क्या करना है कि जो प्राइमरी वाला कॉन्टैक्ट है यहाँ पे आपको टैप कर देना है इस ऑप्शन पे। तो गाइज, जैसे आप टैप करोगे तो आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे एक नया जीमेल अकाउंट था मेरा, तो मैंने जो बना के रखा हुआ है happybk4400@gmail.com। तो गाइज, इसको मैंने वेरीफाई कर लिया, तो आप देख सकते हैं कन्फर्म का निशान भी आ रहा है, और इसके साथ एक ऑप्शन आ रहा है मेक प्राइमरी। तो गाइज, ऊपर वाला जो मेरा जीमेल अकाउंट था वो प्राइमरी था, तो अब मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे अब नीचे वाला ये वाला ऑप्शन रखना है। तो गाइज, यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा इसे आप जूम कर सकते हो, अगर जूम इनका ऑप्शन है आपके फ़ोन में। तो गाइज, यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है मेक प्राइमरी पे, हल्का सा करोगे तो कई बार ऑप्शन कन्फर्म का ऑप्शन आता है, कई बार नहीं आता। तो गाइज, मैं रिस्टार्ट नहीं हो रहा पेज, तो ये नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं इसे एक दो बार और कर दूँगा कन्फर्मेशन के लिए कि ये डेफिनेटली हो जाए। तो गाइज़, यहाँ पे मुझे अभी यस मेल भी आ चुका है। तो गाइज़, आप देख सकते हो मेरा जी, तो गाइज़ जो मेरा जीमेल अकाउंट है वो चेंज हो चुका है, और मैंने प्राइमरी सेकेंड वाले जीमेल अकाउंट को बना दिया। जो फर्स्ट वाला है तो गाइज़ वो अब फ्री हो चुका है, तो मैं उसे रिमूव भी कर सकता हूँ। तो गाइज़, आपको थोड़ा इसे जूम आउट कर लो, या सिंपल सा आपको अपना फेसबुक लॉग आउट करना होगा। तो गाइज़, आप देख सकते हैं जो मेरा फेसबुक है मैंने लॉग आउट कर दिया है अपने क्रोम ब्राउज़र से। तो गाइज़, हम सीधा अब चलते हैं अपने फेसबुक ब्राउज़र पे, सॉरी फेसबुक ब्राउज़र नहीं, फेसबुक एप्लीकेशन पे आपको आना है, ब्राउज़र भी बोल सकते हैं, ब्राउज़र ही है किसी आपका भी। तो गाइज़, यहाँ पे आपको थ्री लाइन पे क्लिक करके अपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाके फिर से सेटिंग में, और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाओगे। तो गाइज़, यहाँ पे मैं फिर से इनसाइड जाऊँगा। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे जो जीमेल एड्रेस मैंने पुट किया था तो वो प्राइमरी हो चुका है, और
जो पहले से ऑलरेडी उसमें लिंक था तो उसे मैंने अब फ्री कर दिया है, तो वो कन्फर्म है, तो पर उसे मैं रिमूव भी कर सकता हूँ क्योंकि अब वो वाला जो पहले वाला जीमेल अकाउंट था वो प्राइमरी में ऐड नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल से मैं रिमूव करूँगा गाइस। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और आपको रिमूव ईमेल करना है। तो तुरंत जो आपका जीमेल है जो आपका आप चाहते हो रिमूव करना तो हो सकता है। तो गाइस थोड़ा अब प्रोसेस चेंज हो चुका है, बोलने का मतलब यह है कि अब आप फेसबुक ऐप से नहीं कर सकते चेंज, अल्टर नहीं कर सकते आप जीमेल ईमेल को। तो आपको उसके लिए जाना होगा डेस्कटॉप साइट मोड पे या साइट पे ही जाना होगा, तो ही आप उसे अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, और कुछ ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए दोस्तों आप कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।